कैसी चल रही है जिंदगी? क्या कर रहे हो? ए बाबा जी, सियालकोट सियालकोट। तो यार सॉरी कि मैं इतना लेट आया, मगर आ गया ये कोई ना कहना। शट अप यार, लेट आने की वजह मेरी काम चोरी नहीं, मेरे मिड टर्म एग्जाम हैं। जी। जब से मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हुए मैं उठना खाना सोना सब भूल गया। जी। और कुछ याद रहा तो यही कि अपना GPA बढ़ाना है। टैलेंट तो खूब था मेरे अंदर, मगर जब पेपर सामने आता तो रोना आ जाता। कुछ पता नहीं कि ये पेपर कहाँ से दिया गया है। जो कुछ मैंने पढ़ा होता उसमें तो कुछ नहीं आता। उस वक्त एक ही दिल करता कि कचरे के डब्बे में छलांग लगा दूं। इसलिए कि मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ने का क्यों सोचा, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हम रटा मारकर पास हो जाते थे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलते हैं, ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। के यूनिवर्सिटी छोड़ दूं, फिर दिल ने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। और जो फेसबुक पर यूनिवर्सिटीज के बारे में ये कहते फिरते हैं ना कि यहाँ तो बहुत मजा है, और जितने फेसबुक पे बैठे हैं वो तो जाहिल क्या अबू जहल के नस्ल से। मैंने तो कोई मजे नहीं देखे। यहाँ पर बात हो रही थी मिड टर्म एग्जाम की। जी। तो जब मैं दो पेपर दे चुका तो साथ ही हुकूमत ने ऐलान किया 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं बंद हो जाएंगे, स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे। उस वक्त दिल ने कहा डांस करूं, लेकिन साथ ही यूनि का मैसेज आया कि मिड टर्म ऑन कैंपस होंगे। गजब बेइज्जती है। पेपर्स के बाद आपको छुट्टियां होंगी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। उस वक्त दिल ने किया कि बस। फिर यूनिवर्सिटी जाके मुतमाइन हुआ कि सब स्टूडेंट ने धरना देने का सोचा है। जब यूनिवर्सिटी वालों ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, यही के सब स्टूडेंट ऑन कैंपस एग्जाम नहीं देना चाहते तो उन्होंने छुट्टियां दे दी। मजे की बात, बाकी पेपर्स नहीं होंगे ये भी कहा। Hey, I'll come look at this. यार उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ। तो थैंक यू शफकत महमूद साहब, यू आर अ बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, आपके लिए। नहीं मैं करूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन दुआ जरूर दूंगा कि आइंदा भी मैं आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनता देखूं। तो आज के लिए बस इतना ही था। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। थैंक यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाओ ऑल पर, ताकि सब आने वाली वीडियो सब तक पहुंचे। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।